यूपी के गाजीपुर से प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी यही गाजीपुर में पैदा भेलन। देश का आजादी खातिर डॉक्टर पूजन राय समेत 8 शहीद यही धरती पे कुर्बानी 18 अगस्त के दिन 1965 के युद्ध में पैटन टैंक के ध्वस्त करके पाकिस्तान का गुमान चूर करने वाला वीर अब्दुल हमीद भी यही धरती के सपूत है। यह पवित्र धरती के हम नमन करते वाली यही धरती पर एक ही गांव से 5,000 से ज्यादा जवान देश का सेना में भी देश का रक्षा खातिर काम करेगा। इस धरती के बार बार नमन। मन पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश के रेलवे मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओम जी माथुर, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नौजवान अध्यक्ष और लगातार मुस्कुराने वाले अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, सांसद श्रीमान केपी सिंह, सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर, केंद्र में मंत्रिपरिषद में हमारे साथी श्रीमती अनुप्रिया जी पटेल, सांसद श्रीमान भरत सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता श्रीमान सुरेश खन्ना जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी, भाजपा के राज्य महासचिव श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, भाजपा महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान केदारनाथ सिंह जी, विधानसभा सदस्य श्रीमान उपेंद्र तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान विशाल सिंह, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण बिहारी राय जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह और विशाल संख्या में पधारे हुए गाजीपुर की गर्जना पूरा देश में पहुंचाने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 साल में दूसरी बार गाजीपुर के लोगों के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। भाइयों बहनों, 2014 में जब चुनाव चरम सीमा पर था, मतदान की तैयारियां चल रही थी,
और 9 मई को मैं गाजीपुर आया था और मैंने कहा था मुझ पे भरोसा करो। मैंने कहा था मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, भाइयों बहनों आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे शब्द पर जो भरोसा किया और आपने न सिर्फ गाजीपुर से मनोज सिन्हा दिए हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने भावी हिंदुस्तान के निर्माण का एक बहुत बड़ी मजबूत नींव रखने का काम पिछले लोकसभा के चुनाव में किया। अगर उत्तर प्रदेश 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद न करता तो भाइयों बहनों न कोई भ्रष्टाचारियों को चिंता होती, न काले धन वालों को चिंता होती। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपने जो समर्थन दिया उसका कारण है। भाइयों बहनों मनोज जी आप बैठिए बैठिए, आप गाजीपुर के लोगों की गर्जना देश को सुनने दीजिए। मैं आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों मेरे सर। आज मैंने वादा किया था आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो इस कड़ी धूप में तप रहे हैं, मैं विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा। मैंने कहा गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा इस लाश में भी जान आ सकती है। हमने उसको जिंदा करने का काम कर दिया है, यहां के किसानों का भाग्य बदलने। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल तो एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है। भाई बहनों 1962 1962 पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आज उनकी जन्म जयंती है। उत्तर प्रदेश से अनेक प्रधानमंत्री मिले देश को, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय यहीं से लोकसभा के सदस्य श्रीमान विश्वनाथ जी, उन्होंने
संसद में खड़े होकर के भाषण किया था। विश्वनाथ जी ने भाषण करते हुए उनकी आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी। और विश्वनाथ जी ने कहा था कि पंडित जी आप उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हो, आप उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हो, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां गरीबी इतनी भयानक है कि यहां के लोग गोबर में से गेहूं के दाने चुन चुन करके निकाल करके धो करके अपना पेट भरते हैं। प्रधानमंत्री जी ये भाषण 1962 में पंडित नेहरू के सामने गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ प्रताप जी ने किया। भाइयों बहनों, तब पूरी संसद की आंख में आंसू थे, हर कोई इस परिस्थिति का बयान सुनकर के हिल गया था। और तब जाकर के पंडित नेहरू जी ने एक पटेल कमेटी बनाई थी। वे पटेल गुजरात से थे, HM पटेल था, उनकी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था इस इलाके की भलाई के लिए क्या क्या करना। भाइयों बहनों, पंडित जी चले गए, उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री चले गए, मैं उत्तर प्रदेश से 9वां नंबर का प्रधानमंत्री हूं, 9वां। मेरे पहले 8 आ गए। भाइयों बहनों, वो रिपोर्ट दिन में मैं 15, कुछ नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज मैंने 14 नवंबर जानबूझ करके चुनी है यहां आने की, क्योंकि पंडित जी के जन्मदिन पर देश को गुमराह करने वाले लोगों को पता चले कि 62 में जो बात हुई थी 2016 में, मेरे आने तक आपने उस पर नजर नहीं की थी। और इसलिए पंडित जी, आपकी आत्मा जहां भी हो, पंडित जी आपकी आत्मा जहां भी हो, 1962 में इन गरीब लोगों के लिए उनकी आशा अपेक्षाओं को कागजों की फाइल में दबोच करके आप चले गए। भले आप चले गए, आपका दल भले ही मुझे गालियां देता हो, आपके दल के नेता, आपके परिवार के नेता मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हो, तो भी पंडित जी आपके जन्मदिन पर ही वो अधूरा काम आज मैं पूरा करने की शुरुआत। पंडित जी आपको ऐसी श्रद्धांजलि इससे पहले किसी ने नहीं दी होगी जो आज उत्तर प्रदेश का एक MP आपको दे रहा है। भाइयों बहनों, 62 में कहा गया था कि गंगा जी पर पुल बना करके एक रेल की पटरी डाल दी जाए ताकि इस इलाके को विकास का अवसर पैदा हो। भाइयों बहनों, सरकारें आई गई, नेता आए गए, सभाएं हुई, तालियां बजी, वोट बटोरे, लेकिन मां गंगा को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं।
आज मुझे खुशी है और मैं मनोज सिन्हा जी को, सुरेश प्रभु जी को, भारत के रेल विभाग को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज अभी थोड़ी देर पहले सरकार के कार्यक्रम में मुझे उसका शिलान्यास करने का अवसर मिला है। और आपने टीवी पे देखा होगा, काम शुरू हो गया। अभी आपको पर्दे पर दिखाया होगा, काम शुरू हो गया। और भाइयों बहनों, समय सीमा में मैं काम पूरा करके रहूंगा, ये भी मैं आपको बता। भाइयों बहनों, यहां के मेरे किसान भाई बहन, एक जमाना था आप कन्नौज से भी अच्छे मित्र की पैदावार करते थे, सब चला गया। मुझे दोबारा वो रौनक लानी है। मेरे किसानों की जिंदगी में एक नई ताकत पैदा कर, यहां जो सब्जी पैदा होती है, उत्तम प्रकार की सब्जी पैदा होती है, मां गंगा की कृपा से उस पर एक विशिष्ट स्वाद होता है। अगर उसको पहुंचाने का प्रबंध हो जाए, बिगड़ने से बचाने की, संभालने की व्यवस्था हो जाए, तो बंगाल और आसाम तक यहां की सब्जी खाने के लिए लोग लालायित हैं। यहां के किसान को वो वहां से पैसा देने को तैयार है। हमने एक व्यवस्था की है पेरिशेबल गुड के लिए, जहां ये आप सुरक्षित अपनी पैदावार रख सकते हैं, बिगड़ने से बचा सकते हैं, और सही दाम मिलने पर आप उसको बाजार में बेच सकते हो, मेरे किसान का कोई शोषण न कर पाए, इसकी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को हमने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है, जिस फसल बीमा योजना के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसान बहुत ही मामूली पैसों से, मामूली चाय कॉफी का खर्चा निकाले उतने पैसों से वो अपना फसल बीमा ले सकता है, और बाकी जो रकम भरनी है वो सरकार भरेगी। और किसान अपनी पैदावार पे, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल बोई है, तैयार होने की तैयारी है, बारिश आ गई, ओले गिर गए, तबाह हो गया, मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको इसका पैसा मिलेगा, इसकी बीमा योजना हमने लागू की। इतना ही नहीं, आपकी फसल तैयार हो गई, कटाई हो गई, खेत में ढेर पड़ा है, अभी ट्रैक्टर आना बाकी है, बाजार में जाना है, सब कुछ तैयार हो गया, और अचानक ओले गिर गए, अचानक बारिश आ गई, कटाई होने के बाद तो देखने को तैयार नहीं होता था। हमने ऐसी फसल बीमा योजना लागू की है कि कटाई के बाद 15 दिन तक अगर खेत में उसका ढेर पड़ा है पैदावार का, और कोई नुकसान हो गया, तो भी मेरे किसान को बीमा का पैसा मिलेगा। ये काम इतना ही नहीं मेरे भाइयों बहनों, कभी कभार हम तय करते हैं कि भाई मई जून में बुआई करेंगे, बारिश आएगी, नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए, फिर 15 दिन इंतजार किया, बारिश नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए, फिर महीना इंतजार किया, बारिश नहीं आई, बुआई नहीं हुई। अब मुझे बताइए, जून जुलाई अगस्त तक बुआई नहीं होगी तो वो बेचारा किसान बुआई भी नहीं कर पाएगा, फसल पैदा होने का तो सवाल ही नहीं है,
और फसल का बर्बाद होने का तो कारण ही नहीं है। किसान का खेत ऐसा ही सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे समय किसान क्या करेगा। पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना हम लाए हैं कि अगर प्राकृतिक कारण से किसान बुआई नहीं कर पाया तो भी हिसाब लगा करके उसको फसल बीमा का पैसा दिया जाएगा, ताकि मेरे किसान को कभी मुसीबत झेलनी नहीं। भाइयों बहनों, ये सरकार गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन कहां पड़ा है वो समस्या है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां ढेर लगे। मुझे बताओ भाई बहनों, 2014 में 9 मई को मैं यहां आया था, मैंने आपको वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था? आपने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मुझे बताइए, आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं 500 रुपए की नोट बंद करता हूं, मैं 1000 की नोट बंद करता हूं, तो आपने जो काम कहा है वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके ताली बजा करके देश को बताइए, देश को बताइए ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये 500,000 रुपये लूटने वालों का रुपया कागज बन जाना चाहिए, इसके लिए जो कष्ट होगा आप झेलेंगे, मुसीबत झेलेंगे, तकलीफ सहन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गांव का व्यक्ति भी देश की ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलने के लिए तैयार है, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं है। भाइयों बहनों, मैं जानता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, घर में शादी हो, बारात आने वाली हो, धूमधाम से शादी करनी हो, बच्चा भी शहर में थोड़ा कमाने लगा हो, तो अपना भी मन करता है कि घर की दीवारों पे जरा अच्छा कलर वलर लगवाएं। लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं? अगर कलर लगवाते हैं, अच्छा करने के लिए लगवाते हैं ना, लेकिन उस कलर की गंध हफ्ते 10 दिन तक रहती है कि नहीं रहती है? वो कलर की गंध के कारण रात को नींद खराब होती है कि नहीं होती है? लेकिन चूंकि बारात आने वाली है, इसलिए हम दीवार पे से गंध आने के बावजूद भी अच्छे कलर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हां, इरादा नेक होना चाहिए। मेरे प्यारे गाजीपुर के भाइयों बहनों, ये जो मैं कर रहा हूं, आप मुझे ताली बजा करके जवाब देना, ये जो मैं कर रहा हूं
देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, गरीबों की भलाई के लिए कर रहा हूं, गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं, किसान की भलाई के लिए कर रहा हूं। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है, उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। कि किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? हम मुझे बताइए भाई, मैं एक एक घर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे बताइए? और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोज लेंगे कि नहीं खोजेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1,500 दोनों को कागज की गड्डी में डाल। मुझे बताइए सब बराबर के हो गए कि नहीं हो गए भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए कि नहीं हो गए? कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सामान्य ईमानदार नागरिक को हो उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों में, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो। ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, खुद बोलते नहीं है, खुद तो मुस्कुराते हैं। मोदी जी ने अच्छा किया। फिर पीछे से कहते हैं लोगों को, अरे भड़को भड़को जाओ। ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ कि 500 और 1,000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए, बताओ। लोगों के नाम पर गुमराह करने की बातें मत करो। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है, आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं, और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताएं,
आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया था। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1 लाख रुपया दो वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के करोड़ों लोगों से जेल को मैं बंद कर देंगे इस नाम से करोड़ों रुपये एक्ट लिए थे आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिए थे, आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था, आपने पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। अरे कोई बोले भी तो भी उसको जेल के दरवाजे दिखाई दिए थे। और किस काम के लिए? क्या ये सारा काम आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया था? क्या आपने गरीबों की भलाई के लिए किया था? देश को याद है इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया था। मुझे पूछे मेरे भाइयों बहनों, मेरा निर्णय जरा कड़क है और मैं जब छोटा था ना तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। ये कांग्रेस वाले आज मुझे समझा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े वकील भाषण दे रहे हैं, किस कानून से आपने 1000 रुपया बंद कर दिया, 500 बंद कर दिया। जरा मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। वो चमनी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था जरा मुझे बताओ, किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चमनी से आगे चल नहीं पाते, आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का काम। ये नक्सलवाद, ये दिन रात बंदूक के बम निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, हमारे शहीद हो, हमारे नौजवान जिंदगी के सारे सपने तो अभी बाकी हो, मां भारती के लिए बलि चढ़ जाए, ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के 5 रुपये कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के 5 पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे
दुश्मन वहां पर नकली नोटे छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये दुश्मनों की चाल चलने देनी चाहिए? ये दुश्मनों की चाल खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं उन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये जाली नोटों का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जाली नोटे समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, 500 और 1000 की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटे कभी खत्म हो सकती थी क्या? सामान्य मानवी को पता चलेगा कि कौन सी सही कौन सी नकली? इसी से वो कारोबार चलाते थे। और भाइयों बहनों, जब से 500 और 1000 नोटों पर हमला बोल दिया है, ये परेशान है, पेमेंट नहीं कर पा रहे पेमेंट। भाइयों बहनों, कुछ अफवाह फैलाई जा रही है, गृहिणी को भड़काया जाता है कि देखो तुमने तो बेटी की शादी के लिए घर में से 2 रुपया 5 रुपया 25 रुपया बचा 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 करके, बेटी 20 साल की हुई, तुमने पैसा जमा किया, अब ये मोदी सारे पैसे ले गया। मेरी माता बहने, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, मेरी माताएं, जब तक तुम्हारा ये लाडला जिंदा है, आप विश्वास कीजिए, आपने कड़ी मेहनत करके 50 50 रुपये करके बेटी की शादी के लिए पैसा बचाया है, उस पर एक भी सरकारी अफसर आंख तक नहीं लगा पाएगा। आप हिम्मत के साथ बैंक में अपना जमा करा दीजिए, अपना खाता खुलवा दीजिए, अरे मेरी सरकार उस पर ब्याज भी देगी, आपकी बच्ची की शादी में वो ब्याज भी आपके काम आएगा। और मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी माताओं बहनों को पूछेगा तक नहीं कि 2.5 लाख रुपया आया कहां से। लेकिन क्या 2.5 करोड़ वालों को भी छोड़ूंगा क्या? बिस्तर के नीचे से रुपये निकले क्या उनको भी छोड़ दूं क्या? गनी बैग में भरे हुए थैले भर भर कर रखे पैसे उनको भी छोड़ दूं क्या? इन दिनों आपने देखा होगा, जरा जाकर के शहरों में देखना, रात को गाड़ियां निकलती हैं, देखती हैं कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो चोरी छुपी से मुंह पर कपड़ा बांध करके जो कूड़े कचड़े का ढेर होता है ना, उसमें जाकर के नोट फेंक करके भाग जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा है, ये जो नोट फेंकने आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में, वो भी अगर हाथ लग गए तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने गरीबों से लूट के लाया हुआ है, ये गरीबों का पैसा है, तुमने लूटा है। मैं लूटने नहीं दूंगा, ये मैं कह के निकला हूं भाइयों। आप देखिए, हम तो गंगा किनारे पर रहते हैं, अमीर से अमीर आदमी भी आएगा तो फूल चढ़ाएगा, कोई 100 ग्राम दूध चढ़ाता है तो बड़ा सुखी होगा तो 1 लीटर चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा तो शहद चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा तो थोड़ा दही भी चढ़ा देगा, और ज्यादा से ज्यादा 1-1 रुपये की 5 रुपये का सिक्का डालेगा।
ऐसा कभी देखा था कि गंगा में लोग नोटे डाल रहे हैं, नोटे 500 की 1000 की बह रही है। अरे पापियों, गंगा में नोटे बहा करके भी आपका पाप धुलने वाला नहीं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, जानता हूं मेरे पर क्या क्या बीतेगी, क्योंकि जिनके पास एक खजाने भरे पड़े हैं ना, वो बड़े ताकतवर लोग हैं। वो तो सरकारों को खरीद लेने की ताकतें रखते हैं, वो तो सरकारों को ऊपर से नीचे करने की ताकत रखते हैं, वो अच्छों अच्छों को उनके भविष्य को तबाह करने की ताकत रखते हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं। लेकिन मुझे बताइए मेरे देशवासियों, क्या मुझे ऐसे लोगों से डरना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, डरना चाहिए, घबराना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ईमानदारी का रास्ता छोड़ देना चाहिए? आपके आशीर्वाद है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद है, इसीलिए इतनी बड़ी लड़ाई मोल ली है मैंने। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश का स्वभाव है, आज देखा आपने, जिस ट्रेन का नाम रखा है, जो ट्रेन यहां से कलकत्ते जाने वाली ट्रेन, उसका नाम क्या रखा है, क्या नाम रखा है आपको पता है ना? इससे बड़ा इतिहास को याद करने का कोई सोच नहीं सकता। इस ट्रेन के नाम पर हमारी पुरानी विरासत हमको याद आ जाएगी, हमारी ताकत का परिचय हो जाएगा। शतवेदी, ट्रेन का नाम शतवेदी, ट्रेन का नाम महामना, वरना पहले तो सब कुछ एक परिवार में देश के लिए मरने मिटने वालों को कोई याद नहीं कर पाता। ये शतवेदी भाइयों बहनों, आपके लिए एक नए विकास के युग का अवसर लेकर के आया है। भाइयों बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना है, और इस गाजीपुर की जनता के माध्यम से देश के लोगों को भी मेरी प्रार्थना, इतना बड़ा काम है नोटे बदलने का, इतना बड़ा काम है कि बेईमान लोग इसका फायदा ना उठा जाए, इतना बड़ा काम है कि सही लोगों को सही हक मिले, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, उसमें थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं सक्रिय होकर के गांव गांव लोगों को धैर्य दें, विश्वास दें। और मैंने कल भी कहा था, 8 तारीख रात को 8 बजे भी कहा था, मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे, 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18-18, 20-20 घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं भाई, छुट्टियां खत्म करके काम कर रहे हैं, घर में मां बहन कोई बीमार हो तो भी बैंक में काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस वालों ने तो अपनी कुर्सी के लिए 19 महीने देश को जेल खाना बना दिया था, मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की। आप तकलीफ सहन करेंगे, मेरी मदद करेंगे,
देश की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करोगे, ईमानदारी की मदद करोगे। अरे जिस देश के गांव का लोग व्यक्ति भी ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलता हो, तो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देश में अब बेईमानों के दिन खत्म होके रहेंगे, खत्म होके रहेंगे। एक बार भाइयों बहनों, आप सब खड़े होकर के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए इस पवित्र काम के लिए, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इस पवित्र काम के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, एक ईमानदारी का एक महायज्ञ मैंने शुरू किया है, आशीर्वाद पूरा देश देख रहा है। ये टीवी वाले आपकी तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हिंदुस्तान को सुना रहे हैं, ये आपके आशीर्वाद पूरा देश देख रहा है, हिंदुस्तान का पूर्वांचल। मेरे देशवासियों, देखिए ये गरीबों की अमीरी देखिए, मेरे देशवासियों ये गरीबों की अमीरी देखिए, ये वो भूमि है जहां से पंडित नेहरू के सामने कहा गया था कि गोबर में से गेहूं निकाल करके धो करके खाना पड़ रहा है। ऐसे गरीब इलाके के लोग ईमानदारी के उत्सव में आशीर्वाद दे रहे हैं। गरीब हमारे साथ है, फिर एक बार तालियां बजाइए भाइयों, देश को पता चले, झूठ फैलाने वालों को पता चले। ईमानदारी के उत्सव में रुकावटें डालने वालों को पता चले ये लड़ाई है ईमानदारी के लिए है, ये लड़ाई है देश को बेईमानी से खत्म करने के लिए लड़ाई है। आइए आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर एक बार आशीर्वाद दीजिए, माँ गंगा को याद करके आशीर्वाद दीजिए, दानियों के गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करते, आज से शंखनाद परिवर्तन रैली का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। यहां पर एक बार फिर से काले धन की बात कही, आतंकवाद के खिलाफ जाली नोट खत्म होने चाहिए और इसीलिए बड़ा कदम उठाया है। भ्रष्टाचारियों के घर जो पैसे हैं वो गरीबों के पैसे हैं और ऐसे में इन दो बड़े नोटों पर अंकुश लगाना जरूरी था। ये वो तमाम बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही 12:23 पर शुरू हुए अपने संबोधन के साथ, और आखिर में लोगों से यही कहा कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे ये बताएगी कि आपका आशीर्वाद इस पूरे कड़े फैसले पर मेरे साथ है।